जंगल के सुनसान पथ का कहीं अंत न होता देखकर गोरखनाथ जी के साथ चल रहे उनके शिष्य समूह में से एक नवीन शिष्य ने कहा, गुरुदेव लगता है हम मार्ग भूल गए हैं। नहीं वत्स, यहां आने का कुछ उद्देश्य है। गोरख कभी मार्ग नहीं भूलता। देखो उस पीपल की सीध में वह ग्राम दिखाई दे रहा है। वहां पर्याप्त भीड़ है। आज एक भक्त ने साधुओं को भोजन कराने का निश्चय किया है। मुझे वहां का कोलाहल स्पष्ट सुनाई पड़ रहा है और घी की सुगंध भी आ रही है। महात्मा गोरखनाथ जी ने एक और संकेत करते हुए कहा, यह सीधा मार्ग है, दूसरे मार्ग से आते तो संध्या तक भी हम वहां नहीं पहुंच पाते। अब चलते चलते दिन ढलने को आया, तब कहीं वे ग्राम में पहुंचे। शिष्य सोच रहा था, अवश्य गुरुदेव ने वे बातें अनुमान से कही होंगी, अन्यथा उतनी दूर से ग्राम देख लेना, शब्द सुन लेना या सुगंध प्राप्त कर लेना कैसे संभव है। जो भी हो, गुरुदेव का अनुमान एकदम सही होता है। भक्त के घर उपस्थित हुए साधु पंक्ति में बैठकर भोजन करने लगे। महात्मा गोरखनाथ जी ने एक लड्डू को तोड़ते हुए भोजन कराने वाले गृहस्थ से पूछा कि इधर लड्डुओं में नीम के पत्ते डालने की भी प्रथा है क्या। गृहस्थ नवीन शिष्य की भांति उन योगी राज की अलौकिक शक्तियों से अपरिचित नहीं था। उसने घर में पूछताछ की और यह स्वीकार करते हुए क्षमा याचना की कि घृत खौलाते समय नीम के 2-3 पत्ते हवा से उड़कर कड़ाहे में जा गिरे थे। भोजनों उपरांत सबको आसन देकर बिठाया गया। गोरखनाथ जी ने अपने आसन पर चरण रखते ही कहा कि मैं अस्थि पर तो बैठने से रहा। एक दूसरे सिद्ध भी वहां पधारे थे। उन्होंने उस आसन पर चरण रखा और कहा, पृथ्वी में कहां अस्थि नहीं है। यहां तो पूरे एक हाथ नीचे एक पशु का पैर मात्र ही है। वे सिद्ध पुरुष वहीं बैठने लगे। उत्सुकतावश लोगों ने उन्हें दूसरे आसन पर बिठाकर उस स्थान को खोदा तो निकली कुत्ते के एक पैर की हड्डी। यह आश्चर्य देखकर नवीन शिष्य को अब गुरु की शक्ति का बोध हुआ। वहां से आश्रम में वापस आने पर एक दिन एकांत में उसने अपने महान गुरुदेव के श्री चरणों में मस्तक रखकर उनसे इन सिद्धियों का रहस्य जानने की इच्छा प्रकट की। गुरुदेव ने कहा, यह कोई सिद्धियां नहीं है, यह तो स्वाभाविक शक्ति है प्रत्येक मानव की। आदि शक्ति ने किसी से पक्षपात नहीं किया है, उसने सबको समान शक्ति प्रदान की है। गिद्ध की दृष्टि शक्ति, चींटी की घ्राण शक्ति, हंस की रसना शक्ति, श्वान की श्रवण शक्ति, अंधों की स्पर्श शक्ति और मकड़ी का काल ज्ञान प्रत्येक प्राणी को प्राप्त है। उपयोग न करने से इन स्वाभाविक शक्तियों पर मल एकत्र हो जाता है, फिर धीरे धीरे वे नष्ट हो जाते हैं।
कायेन्द्रिय सिद्धिर शुद्धि क्षयात् तपसः, अर्थात तपस्या के द्वारा अशुद्धि नष्ट होने पर शरीर की इंद्रियों की वे शक्तियां पुनः जागृत हो जाती हैं। गोरखनाथ जी ने गंभीरता पूर्वक समझाया। समर्थ गुरु ने भाप लिया कि शिष्य में इन शक्तियों के प्रति अनावश्यक उत्सुकता है। उन्होंने शिष्य को समझाया कि ये कोई महत्व की वस्तुएं नहीं है। गिद्ध आदि पक्षी बनने की अपेक्षा तुम्हें मानवता से भी ऊपर उठना है और वह दिव्य बोध प्राप्त करना है जो इस जीवन का लक्ष्य है। तुम्हारी शक्ति का उपयोग उसी के लिए होना चाहिए, इन बाजीगरी के कौतुकों के लिए नहीं। उस समय तो शिष्य ने गुरुदेव के वचनों को स्वीकार कर लिया, परंतु उसके हृदय से वह उत्सुकता गई नहीं। आवश्यक शिक्षा प्राप्त कर उसे तपस्या करने का आदेश हुआ। नेपाल की तराई के एक उपयुक्त वन के लिए उसने प्रस्थान किया और फिर कुछ वर्षों बाद, तुम्हें अपने बल पर बड़ा गर्व है ऐसा दिखता है, तनिक वह मेरा कमंडलू तो दे दो। एक हट्टे कट्टे पहलवान को सिद्धनाथ जी का आदेश हुआ। उस बेचारे ने बड़ा बल लगाया, उसके माथे पर पसीना आ गया, किंतु वह कमंडलू उससे उठा नहीं। सिद्धनाथ जी बोले, बस इसी बल पर अहंकार है तुम्हें। पहलवान ने लज्जा से मस्तक झुका लिया। दर्शनार्थ कुछ अधिक संपन्न लोग आ गए थे, इसलिए इतनी सिद्धि दिखाने पर भी सिद्धनाथ जी को संतोष नहीं हुआ। वे एक बालक से बोले, बच्चे मुझे तनिक उठाकर वहां तो बिठा दो। भला वह 8 वर्ष का बालक उन्हें कैसे उठाता। लोगों के पुचकारने पर वह उठा और यह क्या, उसने फूल के समान स्वामी जी को उठाकर दूसरी चौकी पर बिठा दिया। लोगों को तब और भी आश्चर्य हुआ जब उन्होंने देखा कि महाराज का शरीर उस चौकी पर पहुंचने के पश्चात घटने लगा और घटते घटते नवजात शिशु के समान हो गया। उसी अवस्था में रहकर वे उपदेश और प्रवचन करते रहे। गर्मियों के दिन थे, पेड़ों पर आम पकने लगे थे। महात्मा जी ने अपने भक्तों को पास के वृक्ष के शिखर पर चमकता हुआ बड़ा पीला आम लाने का आदेश दिया। चढ़ने को तो एक व्यक्ति चढ़ गया, परंतु वह फल बहुत दूर सीधी डाल पर था। वहां चढ़ना बहुत कठिन था। डाल हिलाने पर कच्चे आम तो कई गिरे, परंतु वह पका आम नहीं गिरा। व्यर्थ में कच्चे फल मत गिराओ, महाराज ने आदेश दिया। विवश होकर लंबे बांस की खोज होने लगी। सही बात तो यह थी कि महाराज को चमत्कार दिखाना था। मैं स्वयं तोड़ लूंगा कहकर वे उठे और उनका शरीर लंबा होने लगा। इतने लंबे हुए कि हाथ से ही फल को तोड़ लिया। फिर वह फल एक भक्त को, जो सब में संपन्न जान पड़ता था, प्रसाद रूप में दे दिया। तत्पश्चात उनका शरीर अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ गया। इन चमत्कारों से सिद्धनाथ जी के समीप भीड़ बढ़ने लगी। जनता तिल का ताड़ तो चुटकी बजाते करती है। चर्चा होने लगी कि सिद्धनाथ जी पत्थर को मनुष्य, बाघ को बछड़ा आदि बना देते हैं, सबके मन की बात बतला देते हैं, रोगी रोग से तृण पाने, दरिद्र धन के लिए, संतानहीन पुत्र प्राप्ति के लिए, इस प्रकार लोग अपनी अपनी कामना पूर्ति के लिए उनके पास आने लगे।
महाराज को खांसी भी आ जाए तो भक्त उसका कुछ न कुछ अर्थ अवश्य लगा लेते। अब प्रसिद्धि के साथ माया भी एकत्र होने लगी। भव्य मठ तो बन ही गया था, सरोवर के घाट बंध रहे थे, बगीचा बन गया था, आगंतुकों के ठहरने के लिए धर्मशाला की नींव भी डल गई थी। भंडारा तो नित्य होने लगा था। 14 वर्ष बाद गोरखनाथ जी वहां पधारे। उन्होंने घाघरा नदी के दूसरे तट पर एक वटवृक्ष के नीचे अपना आसन लगाया था। पता नहीं क्या विचार कर वे उस पार श्री सिद्धनाथ जी के मठ पर नहीं पधारे। लंबे समय के बाद शिष्य को सुयोग मिला कि वह अपने परम पूज्य गुरु के चरणों में उपस्थित होकर उनके चरण रज से अपना मस्तक पावन कर सके। गुरुदेव नहीं पधारे परंतु मुझे तो उनके श्री चरणों में उपस्थित होना ही चाहिए, ऐसा निश्चय करके सिद्धनाथ जी अपने सेवक मंडल को साथ में लेकर उस पार चले। सिद्ध और साधारण मानों में भेद ही क्या हो, यदि वह भी सर्वसाधारण के सदृश ही सब काम करे। और लोग तो नदी पार करने के लिए नौकाओं पर बैठे, किंतु सिद्धनाथ जी तो सिद्ध ठहरे, वे खड़ाओं पहने ही नदी पर चलने लगे। उनके खड़ाओं जल पर वैसे ही पड़ते थे जैसे पृथ्वी पर उनके चरणों की उंगलियों को भी जल ने स्पर्श नहीं किया। इस तरह वे घाघरा नदी को पार कर गए। वट की सघन छाया में बाबा गोरखनाथ जी एक शिला पर व्यागांभर डाले शांत बैठे थे। धुनी जल रही थी, वह लंबा चिमटा गड़ा हुआ था, कानों में विशाल मुद्रा झूल रही थी। पास ही बहुत से भक्त मस्तक झुकाए जमीन पर बैठे थे। सीधे पहुंचकर सिद्धनाथ जी बाबा गोरखनाथ जी के सन्मुख दंड की भांति गिर पड़े। गुरुदेव ने मस्तक उठाया, पता नहीं क्यों उन महापुरुष का मुख तमक उठा, नेत्र लाल हो गए। चिमटा उखाड़कर बाबा गोरखनाथ जी ने अंधा धुंध बौछारें प्रारंभ कर दी सिद्धनाथ जी की पीठ पर। और किसी में इतना साहस नहीं था कि उन योगी राज को उस समय रोके। प्रसिद्ध सिद्ध सिद्धनाथ जी भी इस प्रकार पीट रहे थे जैसे अध्यापक के हाथों कोई बालक दंड पा रहा हो। बाबा गोरखनाथ जी पीटे ही जा रहे हैं, पूरा शरीर लाल हो गया। गुरुदेव की उग्र मुखाकृति को एक बार देखने के पश्चात फिर उनके नेत्र ऊपर नहीं उठ सके। चिमटे की मार पीठ, सिर, हाथ, पैर, जहां भी जो अंग सामने पड़ता वहीं बेभाव ही पड़ रही थी। क्यों रे, नदी पार करने के लिए कितने पैसे लगते हैं? भली प्रकार पिटाई करने के उपरांत गुरुदेव ने पूछा। सिद्धनाथ जी ने कहा, गुरुदेव केवल 1 पैसे, और वो भी साधुओं से कुछ नहीं लेते। इतने दिनों तक शरीर को तपस्या की अग्नि में भस्म करके तूने यह 1 पैसे की मजदूरी का व्यापार सीखा है। मूर्ख, ताड़ तुझसे अधिक लंबा है और हिमालय से भारी तो बन नहीं सकता। कोई तेरा कमंडलू उठा सके या न उठा सके, इससे तुझे क्या लाभ? तुम्हें पशु और जड़ बनने के लिए ही घर द्वार छोड़कर इतना कष्ट उठाया था क्या?
चिमटे की मार उतनी गहरी नहीं थी जितनी इन शब्दों की चोट। वे कैसे गुरुजी, जो शिष्य के बाह्य अभ्यंतर का ज्ञान न रखें। चिमटे की मार के समय मूक रहे सिद्धनाथ जी अब सर्वज्ञ गुरुदेव के समर्थ श्री चरणों में बच्चों की भांति फूट फूट कर रोने लगे। गुरुदेव ने झिटकते हुए कहा, बस मैं इसीलिए आया था, अब फिर मिलूंगा 14 वर्षों बाद। गोरखनाथ जी ने चिमटा और व्यागंभर उठाया और एक और सघन वन में चले गए। वे पुनः 14 वर्ष पश्चात सिद्धनाथ जी को मिले या नहीं यह तो पता नहीं, परंतु इतिहास साक्षी है कि सिद्धनाथ जी अपने गुरुदेव से तनिक भी न्यून नहीं रहे। वे एक उच्च कोटि के महापुरुष बन गए। इतनी शक्तियों, सिद्धियों व संयम के धनी होने पर भी सदगुरु की निगरानी में न रहने से लोक वासना और मनमुक्ता कैसे बड़े बड़े सिद्धों को भी मार गिराती है। 84 लाख जन्मों की मार से बचने हेतु उस सिद्ध ने सदगुरु की मार सहर्ष स्वीकार कर ली। आज के तथा कथित साधक और गुरु के नाम का फायदा उठाने वाले तथा गुरु के नाम पर पूजे जाने वाले शिष्य अपने दिल पर हाथ रखकर अपने आप से पूछें, अगर अपने पर ऐसा एक भी चिमटे का वार पड़े तो अपने में कितनी श्रद्धा रहेगी और वह भी कितने दिन टिकेगी। परंतु ये बहादुर सिद्धनाथ जी न जाने कितने कितने चिमटे के वार सहते गए और अपने गुरुदेव के प्रति सद्भाव और श्रद्धा रखते हुए अहोभाव से भरकर फूट फूट कर रोए कि गुरुदेव मुझसे बहुत भारी भूल हो गई। अपनी गलती का एहसास करने, हृदय को प्रायश्चित से भरने और की हुई गलती दोबारा न करने का कितना बड़ा सद्गुण था उन सिद्ध पुरुष में। सिद्ध पुरुष होते हुए भी कितनी गुरु भक्ति, कितनी सहन शक्ति। धन्य है ऐसे गुरु भक्त।